हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट एक बनाने वाले हैं, जिससे कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड में बिठाकर इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो ये एक्सटेंशन बोर्ड आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि इसका सर्किट आप बनाकर अगर एक्सटेंशन बोर्ड में लगाते हैं तो बहुत सारे सेफ्टी इससे आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि शॉर्ट सर्किट से इससे आप बच सकते हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो जैसे मैंने बताया उस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये पावर प्लग है, जो कि हम 16 एम्पीयर का है, तो इसे आज हम यूज करने वाले। तो मेरे पास एक कैपेसिटर, आप देख सकते हैं इस तरह की ये कैपेसिटर है, जो कि फैन रेगुलेटर में भी यूज होते हैं। और ये कैपेसिटर है जो कि हमें टेबल फैन में यूज होता है, तो ये भी मैंने एक कैपेसिटर ले लिया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इन दोनों कैपेसिटर का आज हम यूज करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह के ये कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसे लगा कर आज आपको दिखाने वाला हूँ। और एक मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि सीलिंग फैन में लगता है, तो आप देख सकते हैं 2.5 UF 440 AC वोल्ट है। तो इस तरह के कैपेसिटर, पहले हम ये फैन वाला कैपेसिटर 3 UF का 500 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करने वाले। तो इसके जो कनेक्शन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें जो इसका एक सिरा है, इसे हमें इस तरह से इसके फ्यूज में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका एक कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे सीरीज में लगा लेना है। तो इस तरह से इसे लगा के अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल हम इस तरह से इसे प्लग में देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ये कनेक्शन होने वाला है, इसे अब हम न्यूट्रल सॉकेट में दे रहे हैं। तो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया है। अब हम जो कैपेसिटर की दूसरी ले गए, इसे अब हम लाइन पे कनेक्ट करने वाले। तो लाइन पे कनेक्ट करने के लिए मैंने एक ये सर्किट बनाया है जो कि MCB से कनेक्ट है, इसे हम लगा लेंगे, ताकि आप जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो प्रोटेक्शन ज़्यादा रहे। तो इसलिए मैंने इसे आगे की तरफ एक MCB लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये सर्किट अभी बन के रेडी हो गया। अब हम इसे पावर दे देंगे। तो जैसे आप पावर देंगे तो ये MCB को ऑन करते ही ये ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी ऑफ है, लेकिन जैसे अब MCB हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्किट अब हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक बल्ब ले लिया है और एक होल्डर। तो इस तरह से हम इसे लगा के चेक करेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने एक 100 वाट का बल्ब ले लिया है, इसे अब हम इस प्लग में लगा के देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी 100 वाट बल्ब पे ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पावर उतना जनरेट नहीं कर रहा है। तो हम एक LED बल्ब लगा के देखेंगे, जो कि 9 वाट का बल्ब है, इसे अब हम लगा के चेक करेंगे। तो मैंने इसे लगा दिया है। अब जैसे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑन हो गया है। तो ये लो पावर के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर कुछ रिपेयरिंग का कर रहे हैं, जैसे कि आप TV या छोटे मोटे जो SMPs पे काम करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आप यूज करके अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सर्किट बन के रेडी हो गया है, लेकिन इसमें जो पावर है उतनी आउटपुट नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कनेक्शन है। अब हम इसे कैपेसिटर को निकाल लेंगे। तो निकालने से पहले हम इसे पहले डिस्चार्ज कर लेंगे, क्योंकि इसमें करंट रहता है तो ये डिस्चार्ज ऑटोमेटिक नहीं होता है। डिस्चार्ज होने के लिए आपको इसको रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा अभी दूसरा कैपेसिटर लेंगे, जो कि ये भी फैन कैपेसिटर है, जो कि 2.5 UF 440 वोल्ट का है। अब हम इसे भी उसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसके जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है। इसे हमें सीरीज में लगाना है कैपेसिटर को, तो इस तरह से मैं इसे फटाफट से लगा लूंगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह से, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसे बनाकर आप सीरीज बोर्ड में यूज कर सकते हैं।
तो मैंने इसे फटाफट से लगा लिया। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने वही सब रखा है। पहले हम 100 वाट का बल्ब लगा के देखेंगे। तो मैंने 100 वाट का बल्ब लगा दिया और जैसे ही आप बोर्ड ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका भी पावर अभी कम है। तो हम एक LED बल्ब लगा के देखेंगे। तो मैंने इस तरह से फिर से 9 वाट का LED बल्ब लगा दिया। तो देख सकते हैं आप, ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है ये भी कम है, लेकिन ये जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इससे भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ये आगे की तरफ शॉर्ट हो जाएगा तो ये कैपेसिटर पे अपने आप चला जाएगा और आगे की लाइन शॉर्ट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा, लेकिन इसका भी आउटपुट कम आएगा। तो इस तरह से आप लो पावर के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटे मोटे SMPS अगर रिपेयर करते हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अब इस कैपेसिटर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सीलिंग फैन का कैपेसिटर यूज किया था, जो कि 2.5 UF का है, जो कि 440 वोल्ट का था। अब हम जो रेगुलेटर जो आता है फैन रेगुलेटर, जो कि 400 वोल्ट का है, इसे अब हम यूज करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम इसका भी सीरीज में कनेक्शन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसे फ्यूज पे लगा दिया है और जो इसका दूसरा सिरा है इसे हम लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसका ये कनेक्शन होने वाला है। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब हम 100 वाट का बल्ब इससे चेक करेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ऑन किया तो ये बल्ब ऑन हो गया है और बहुत ही बढ़िया से अभी ये जल रहा है। थोड़ा 80% तो आराम से ये जल रहा है। तो आप देख सकते हैं वही कैपेसिटर है, इसको एक कैपेसिटर को हमने यूज किया है। तो इसी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखेंगे कि इस पे वर्क करता है कि नहीं। तो हम शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे शॉर्ट किया तो बंद हो गया और जैसे शॉर्ट हट गया तो ये ऑन हो गया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक वन कैपेसिटर था। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो पहले मैंने ये कनेक्शन बंद कर दिया है और बंद करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि ये चार्ज रहता है तो इसे आपको डिस्चार्ज जरूर करना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जोर का स्पार्क होता है। अब हम इसे वन कैपेसिटर के साथ हम और ज्यादा कैपेसिटर लगाएंगे। तो मैंने दो कैपेसिटर और ले लिया जिसकी वैल्यू है 105J 400 होल्ड का। तो अब हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में हम तीनों कैपेसिटर को इस तरह से फ्यूज में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से लग जाएगा। इसे हम इस तरह से लगा के इसे कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसे फटाफट से फिक्स कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे फ्यूज की जगह पे इसे इस तरह से लगा लिया है और जो दूसरी लेग है इन तीनों कैपेसिटर के हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो हमें इस तरह से इसे पैरेलल में लगा लेना है। अब हम इसका लाइन का कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसे लाइन कनेक्शन देंगे और हम इसे टेस्टिंग करने वाले। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कैपेसिटर पे लाइन का कनेक्शन दे दिया है। हम थोड़ा इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे ताकि लोड लगा चलाने पे ये स्पार्क ना हो। तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसे अब टेस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने वही बल्ब है जो कि 100 वाट का है इसे लगा लिया है। अब हम इसे बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। तो मैं इसका कनेक्शन ऑन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कनेक्शन को ऑन किया तो कि ये अभी 100% बल्ब जल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। इस तरह से आप इसे प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे शॉर्ट होगा तो ये ऑफ हो जाएगा और शॉर्ट निकलने के बाद ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सीरीज बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये रिपेयरिंग के लिए एक्सटेंशन बोर्ड बनने वाला है। तो इस तरह से आप बना के इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा लोड बढ़ा के देखेंगे। तो मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया था, अब ये 200 वाट का बल्ब ले लिया है। अब हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे कि इस पे वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक्सटेंशन बोर्ड का पावर ऑन कर देंगे। तो जैसे मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि ये
40% के आसपास जल रहा है। इसका मतलब आप 100 से 150 वोल्ट वैट तक का ऐसा लोड चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पार्क है जो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरह से आप इसे बना के सीरीज बोर्ड में यूज कर सकते हैं, जो कि आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में यूज हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव हो तो मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू।